बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। जैसा कि आपने बर्डनामा के चैनल पे इस वीडियोस का सिलसिला देखा होगा कि हम लोग जो है वो ब्रीडर्स जो हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी रूटीन है वो शेयर करें। आज हम आए हैं एक ऐसे बिजनेसमैन कम ब्रीडर जो पिछले अरसे 10 साल से जो है वो लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन म्यूटेशंस में उनकी एंट्री जो है वो पिछले 3 साल से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो पेल फेलो ओपलाइन, क्रिमिनो ओपलाइन, जो के पाकिस्तान में शायद चंद ही लोगों के पास होगा, लेकिन इनके पास वो भी प्रोड्यूस हो चुका है। इसके अलावा डन फेलो फिशरी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड करवा रहे हैं। 10 साल का इनका तजुर्बा है, लेकिन म्यूटेशन में इनको चूंकि 3 साल हुए हैं, तो 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो जो बर्ड इन्होंने प्रोड्यूस करवाने हैं। जी, बात मैं कर रहा हूँ, मुलाकात आप ही करवाते हैं मोहम्मद उमैर चौहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मोहसिन भाई, ठीक ठाक बिल्कुल। उमैर भाई, ये जैसे मैंने बताया कि 10 साल हो गए हैं आपको बर्ड ब्रीड करवाते हुए, लव बर्ड और म्यूटेशन में आप 3 साल से आए हैं, तो अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें कि कितनी देर आपको हो गई है इस हॉबी में और कैसे आप आए इस हॉबी में? इसको हॉबी को हम दो हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। मैंने पहले लार्ज पैरट रखे हुए थे 2010-11 से, फिर रखे 2012 में मैंने ग्रे पैरट्स का एक सेटअप बनाया, तो उसके साथ साथ मैंने 2014 में 13 में अल्बाइनो रखने शुरू किए। मेजर नरजम साहब में हमारे दोस्त है उधर, उनसे मैंने फिर लिए। उसके उस वक्त वो दौर था अल्बाइनो का, लटिनो पर्सनाटा का और वायलेट पर्सनाटा, तो बड़ा अट्रैक्टिव था उस वक्त, वो रखने शुरू किए। फिर लास्ट 3 साल से फिर मैं म्यूटेशन में फिर आ गया। तो म्यूटेशन में आपको एक बड़ा कलरफुल सा एक चार्म सा मिलता है उसमें, उसको म्यूटेशन को सीखने में भी बड़ा मज़ा आता है, तो वो एक डिफरेंट किस्म का था एक्सपीरियंस। तो वो बल्कि मुझे लार्ज पैरट से भी ज़्यादा मज़ा इसमें आया फिर लवबर्ड में, म्यूटेशन लवबर्ड में। म्यूटेशन में चूंकि ऐसा होता है कि नई नई चीज़ें निकलती हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन आप बिल्कुल बिल्कुल उसमें से जो आपका डिजायर रिजल्ट निकलता है तो वो सेटिस्फेक्शन ही और है, बिल्कुल उसका मज़ा ही और है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप कौन कौन सी म्यूटेशन इस वक्त ब्रीड करवा रहे हैं रफली, अगर आप 7-8 बताएं कौन सी मेन जो है? मोहसिन भाई, मैंने मेरे पास अब इस टाइम अल्बाइनो से लेके और डन फेलो तक सारे मेरे पास बर्ड्स हैं माशाल्लाह, तो उसमें मैं इस साल इंशाल्लाह इन सबकी ब्रीड लूंगा। और अल्बाइनो भी अभी भी मैंने वो क्रिमिनो अपलाइन की वर्किंग करता हूँ उसमें प्रॉपर, वो भी कर रहा हूँ। उसके बाद ओपलाइंस में है, उसके बाद डेलूट है, पेल म्यूटेशन है, उसके बाद डन फेलो है, तो ये सारे डेलूट भी है, सब कुछ तो है। जैसे आपने कहा कि अल्बाइनो फिशरी, तो आपके पास प्रूवन अल्बाइनो फिशरी बर्ड्स हैं? बिल्कुल हैं, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में 99% अल्बाइनो पर्सनाटा में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आपके पास प्रूवन फिशरी अल्बाइनो रेड आई बर्ड्स हैं तो ये भी एक अचीवमेंट है, बहुत कम लोगों के पास जो है वो ये। बिल्कुल, ये मैंने खुद अपने खुद प्रोड्यूस किया इसको, अपलाइन को फिर मैंने अल्बाइनो के साथ लगाया, उसके फिर चिक्स मैंने होल्ड किए, ग्रीन बर्ड्स थे, एक तो अल्बाइनो में ब्लड भी स्ट्रांग हो गया, उसके बाद फिर मैंने वो फिशरी की ये 2-3 लाइनें बनाई, तो अब आके मेरे पास कुछ पेयर ऐसे हैं जो मैं अल्बाइनो फिशरी भी प्रॉपर फिशरी, माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं? जी जी जी, और बड़े एक्टिव मेंबर हैं। शो, ऑनलाइन शो जो हुआ था पहला, जी जी जी, उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया था, बिल्कुल। तो सोसाइटी का एक्सपीरियंस कैसा है, नए लोगों को क्या आप रिकमेंड करेंगे कि सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए? सोसाइटी बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए, एक तो उसमें हमारा ग्रुप बना हुआ है, बड़ा अच्छा है, लोग उसमें बर्ड अपने शो करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप? बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें देखें ना आपको पता लगता है आपका, जैसे मैंने बर्ड देख रहा था तो मुझे एक स्टैंडर्ड का पता लगता है कि जी मोहसिन जफर साहब का ये बर्ड है और उन्होंने अपना अच्छा बर्ड लगाया, अब मेरे बर्ड में क्या कमी है, क्या स्टांस है, क्या साइज़ है, वो काफ़ी चीज़ें पता लगता है। फिर दूसरा आप ये कि सीखते हैं और बड़ा आसान है, देखें इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें आप बड़ा आसानी हो जाती है आपको, नहीं तो पहले बड़ा मुश्किल था ये जब ये सोशल मीडिया का वक़्त नहीं था। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने जब 2 साल पहले अक्टूबर में जब शो अटेंड किया था रॉयल पाम में हुआ था, तो वहाँ पे भी देखें फिज़िकली बर्ड देखे थे, तो आपको पता लगता है कि यार बर्ड की क्वालिटी क्या है, सब कुछ क्या है, तो वो जो हॉबी को बड़ी प्रमोट करता है इस तरह के जो एसोसिएशन हैं। और दूसरा ये है कि आपको कंपटीशन का एक मौका मिलता है,
आप कंपटीशन में आते हैं, आपको पता लगता है कि मैंने कम्पीट करना है, तो ये हॉबी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर बंदे के लिए उसका बर्ड उसके घर में बेहतरीन बर्ड है, बेहतरीन बर्ड है। लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कम्पीट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, बिल्कुल आपके बर्ड्स में क्या कमी है, कमी है बिल्कुल, क्या चीज आपने इम्प्रूव करनी है। फिर फॉरेन जज जैसे आते हैं, आप उनसे इंटरेक्शन होता है, उनसे सीखते हैं, पूछते हैं, स्टैंडर्ड्स का पता चलता है। और ये जो बर्ड जो शो की विनिंग है ना, उसका जो चाम है ना, हाँ, उसका नेमुल बदल कोई नहीं, कोई नहीं है। जब आप कोई प्राइज जीतते हैं तो उसकी फीलिंग्स आप लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगले सीजन में आप क्या प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि कौन सी म्यूटेशन जो है वो जिसको बूम मिलेगा, ये आपका एक्सपीरियंस इस बारे में आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कौन सी म्यूटेशन जो है वो। मोहसिन भाई, जब आप कहते हैं म्यूटेशन बूम लेगी, देखें चंद एक चीज़ें हैं, वो तो लोगों की लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है। जिस तरह क्रिमिनो चल रहा था, पेल फेलो चल रहा है, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है अपलाइंस में। आप अपलाइंस में आपको एक चाम है कि आपने क्वालिटी मेंटेन करनी, और हर वक्त आप उसी प्रोग्रेस में होते हैं कि यार इसको इम्प्रूव से, इससे बेहतर इम्प्रूव कैसे किया जाए, बेहतर करें। तो मैं तो हॉबी को उस तरह इंजॉय करता हूँ जब मैं उस चीज़ पे जाता हूँ कि यार इस बर्ड को और अगले साल किस तरह इम्प्रूव करना है, इसको किससे ब्रीड करवाना है, तो और इसमें क्वालिटी किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है, यानी कि नए नए कम्बिनेशन हैं। तो इस तरह मैंने कई अपने पेयर अब तोड़ के तो उनको अगले साल कोई और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बाकी सारे चल रहे हैं, लोग डाइल्यूट बड़ा पसंद कर रहे हैं, पेल म्यूटेशन आई है वो बहुत खूबसूरत है, उसके बाद अब डन फेलो चलेगा। डन फेलो एक बड़ा, देखें उसमें कलर भी डार्क्स हैं और उसमें क्वालिटी बनाना, तो ये एक नया ट्रेंड चलेगा अगले सालों में। तो ये सारे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये इसका हॉबी तो है, ये इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है जो है वो, उसको आप कैसे देखते हैं? जो नए लोग इसमें बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या इसमें अर्निंग है, इसका कमर्शियल एस्पेक्ट कैसा है, लोगों को आप क्या राय देंगे इस बारे में? मोहसिन भाई, मैं बड़े अरसे से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने जॉब भी की प्राइवेट और काफ़ी मैंने काम किए, लेकिन जो इसमें प्रॉफिट रेशियो है मैं पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ, वो बड़े कम बिजनेस में है और एग्रीकल्चर में। हाँ जी, अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस, प्रॉपर्टी का है, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ खुद भी, तो उसमें मैं कंस्ट्रक्शन भी मैंने किया, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट रेशियो है बिजनेस की, वो इसमें वो बहुत अच्छी है। और उसमें अब मैं कैसे करता हूँ, मैं अपने काम को भी हर्ज नहीं देता और इसको बैलेंस किया हुआ मैंने कि अपना इस हॉबी में इतना टाइम दे सकूँ कि ना मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो और ना बर्ड्स मेरे सफ़र करें, तो उस हिसाब से मैंने नंबर ऑफ़ बर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है। जो लोगों के लिए है न्यू फैंसियर भी, इसको पार्ट टाइम की तरफ लेके जाएं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। यानी जिस तरह एक बंदा जॉब करता है, सुबह 8 to 5 करता है, तो शाम को उसके पास टाइम है, सुबह कुछ टाइम है, तो वो 20-25 पेयर्स के साथ बड़ा अच्छा पार्ट टाइम इसमें अर्न कर सकता है, और हॉबी की हॉबी है, आप अर्न भी करते हैं, आपको फ़ायदा भी है। और जो फुली इसमें कर रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मुझे तो नज़र आ रहा है ये हॉबी बहुत ऊपर जाएगी, और क्योंकि काफ़ी लोग इसमें पिछले 2-3 साल में, ये 2-3 साल में कोरोना की वजह से चूँकि बाकी बिजनेसेस बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, हाँ जी, तो ये उस वक्त ये बूम में था, बूम में तो था, इसलिए बहुत लोग इसमें जो आए हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट मिली है, मैंने देखा फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिली है लॉकडाउन के दिनों में, ये कोरोना के दिनों में। अच्छा, जो नया फैंसियर अगर कोई इसमें आना चाहे तो उसको क्या पहले कम इन्वेस्टमेंट से बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए, या वो स्टार्ट से ही जो है वो? मोहसिन भाई, जो नया फैंसियर आता है मैं उसे कहता हूँ कि जल्दी नहीं करनी, आपने जब तक म्यूटेशन को सीख नहीं लेना आपने म्यूटेशन नहीं लेनी। मैंने एक दो लोगों को, उनको अभी म्यूटेशन का नहीं पता था, लेने आए, मैंने उनको थोड़ा सा मना किया कि आप ना लें, जब तक आपको म्यूटेशन में सीखेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि इसके आउटकम्स क्या हैं, उसको फिर लेने का फ़ायदा नहीं है। तो ये है मेरा मशवरा, ये है कि आप इनिशियल बेसिस से अल्बाइनो है, दूसरे फिशरीज हैं, लो कॉस्ट बर्ड है, उससे करें, फिर ऑटोमेटिकली आपको आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते जाएंगे और उसमें आपको फिर पता लगेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट आपने कैसे करनी है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि पहले आप म्यूटेशन को सीखें, फिर आप उसमें म्यूटेशन की तरफ जाएं,
और महंगे बर्ड तब परचेज़ करें। जी बहुत शुक्रिया उमेर भाई आपका वक्त देने का। ये थैंक यू आपका, जो पीक ऑफ द डिस्कशन था जो मैंने जज की है, वो जो एंड में इन्होंने बात की है नए फैंसियर्स के लिए ख़ास तौर पे, कि जब आपने ये काम स्टार्ट करना है तो पहले इसको सीखें। कोई भी काम पाकिस्तान में, कोई दूसरा काम, मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, मोबाइल फ़ोन का काम करना है, तो हम लोग पहले उस काम को सीखते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह ये बर्ड हॉबी भी है, इसको आप पहले बर्ड की कीपिंग सीखें, लो बजट से ये स्टार्ट करें, और जब सीख जाएं तो जितना बजट भी आप इसमें इंजेक्ट कर सकें वो कम है, इतना प्रॉफिट इसमें, और आप एंजॉय भी करेंगे, और एंजॉय भी करेंगे जब आपको पता लगेगा आउटकम्स का। वरना स्टार्ट में आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा बजट से स्टार्ट कर लेंगे और खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, आप बर्ड की कीपिंग सही तरह ना कर सकें, तो उस फाइनेंशियल लॉस के बाद आप हॉबी छोड़ जाएंगे और दूसरे लोगों को भी कहेंगे कि इसमें फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले इसको सीखें। उमेर भाई ने जैसे बताया कि इनके पास कुछ नए लोग आए, उन्होंने म्यूटेशंस लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ख़ुद उन्हें मना किया कि पहले आप जो है बर्ड की कीपिंग सीखें, उसके बाद जो है वो बर्ड में इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत है, बहुत स्कोप है, लेकिन पहले सीखें उसके बाद इसमें जो है वो फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करें। बड़ा बेहतरीन जो है वो इससे आपकी अर्निंग हो सकती है। और पार्ट टाइम करें इसको स्टार्ट में, और जब आपको पता चल जाए, जब सीख जाएं, तो फिर चाहे फुल टाइम भी करें। ये जी गुफ्तगू का सिलसिला था हमारा उमेर भाई के साथ। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस का सिलसिला और भी जारी रहेगा। अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।